Assalamualaikum students. आज हम ये different topics पढ़ेंगे. Relative atomic mass, how to write chemical formula, empirical formula, formula unit, molecular formula and molecular mass. Start हम करते हैं relative atomic mass. अब आपने जो है वो कल पढ़ा था atomic mass क्या होता है? It is the sum of protons and neutrons present in the nucleus of an element, of an atom. रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? यहाँ पे रिलेटिव वर्ड जो लगा हुआ है वो इसलिए है, रिलेटिव मतलब रिलेट करना, क्योंकि आपको पता है कि एटम जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है, उसका हम एक्यूरेटली जो है वो मास फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको किसी के साथ कंपेयर करके मालूम कर सकते हैं. तो रिलेटिव मतलब रिलेट करना, कंपेयर करना. हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम कंपेयर इसको कर रहे हैं कार्बन 12 आइसोटॉप्स. ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन 12. ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसके एटम का मास. रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट as compared to one twelfth the mass of carbon 12 isotope. ठीक है स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? कि हमने जो है किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को कंपेयर करना है किससे? 1/12 मास से. किसके मास से? कार्बन 12 आइसोटोप के मास से. ठीक है, और रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, रिप्रेजेंटेड बाय AMU. और AMU और जो ग्राम होता है, देखिए अब ग्राम क्या है, ये भी तो मास का यूनिट है, तो AMU वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको हम ग्राम से रिलेट करते हैं बाय द फॉलोइंग. 1 AMU इज इक्वल टू 1.6610⁻²⁴ ग्राम. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला. केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो पॉजिटिव आयन होता है वो पहले लिखा जाता है, ठीक है, जो नेगेटिव आयन होता है वो बाद में लिखा जाता है. अब कंसीडर करें सोडियम क्लोराइड. इसमें सोडियम क्या है? पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है. इसका मतलब सबसे पहला स्टेप क्या है? आपने जो पॉजिटिव है आयन उसको पहले लिखना है, जो नेगेटिव है उसको आपने बाद में लिखना है. सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड ये है, आपने टॉप राइट कॉर्नर पे उसी आयन की या उसी एलिमेंट की वैलेंसी लिख दी. ठीक है, अब आपको पता है सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? +1. क्लोरीन की क्या होती है? -1. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने उनकी लिख ली सिंबल्स. सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया? टॉप राइट कॉर्नर पे आपने उनकी क्या लिख ली? वैलेंसी लिख ली. ठीक है, आगे थर्ड पे आपने क्या करना है? थर्ड पे हम करते हैं क्रॉस एक्सचेंज. ठीक है, क्रॉस एक्सचेंज आपने कैसे करनी है? जो फर्स्ट में आपने लिखा हुआ है आयन उसकी जो वैलेंसी है वो सेकेंड वाले के बिलो राइट कॉर्नर पे आ जाए. ठीक है, इसी तरह सेकेंड वाले की जो वैलेंसी है वो फर्स्ट वाले के बिलो राइट कॉर्नर पे आ जाए. ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं. क्या होगा? -1 था, यहाँ पे आ गया, मतलब आपने कंसीडर किसको करना? 1 को करना. Cn ये +1 था, ये 1 यहाँ पे आ गया. जब भी दोनों यहाँ पे सेम हो जाएंगे तो इन दोनों की जो वैलेंसी है वो एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल आउट कर देगी. इस तरह से जो हम इसका नेट फॉर्मूला लिखेंगे वो सिंपल क्या लिखेंगे? NaCl. इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें आपने क्या करना है? कैल्शियम, देखिए कैल्शियम
ऑक्साइड हम कह रहे ऑक्सीजन नेगेटिव रेडिकल है बाहर निकल गया ठीक है। अब आपने क्या किया इसके ऊपर इसकी वैलेंस लिखी इसके ऊपर इसकी वैलेंस लिखी कैल्शियम क्या होती है +2 इसी तरह ऑक्सीजन क्या होती है -2। अब आपने क्या करना है इसको क्रॉस एक्सचेंज करना है क्या बन जाएगा Ca2O2 बोथ 2 कैंसिल ईच अदर इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया Ca। समझ आ गए स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखिए इसकी भी सेम थी इसकी भी सेम थी तो इन्होंने कर दिया एक दूसरे को कैंसिल लेकिन अगर हुई डिफरेंट तो हम क्या करेंगे तो हम लिखेंगे और अगर हम यहां पे जो आयन लिख रहे हैं यहां पर ये सिंपल आयन था तो आपने ये लिख दिया +1 है -1 लेकिन अगर आ जाए रेडिकल। अब रेडिकल का क्या मतलब होता है जो एटम्स का एक ग्रुप होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है लाइक सल्फेट हो गया फॉस्फेट हो गया तो जो सल्फेट के ऊपर हम -2 लिखते हैं वही सल्फेट की क्या हुई वैलेंस ठीक है। इसी तरह जो फॉस्फेट के ऊपर लिखा जाएगा वो क्या हुई इसकी वैलेंस। अब कैल्शियम फॉस्फेट को कंसीडर करें तो कैल्शियम फॉस्फेट में क्या करना है हमने कैल्शियम पहले लिख लिया फॉस्फेट PO4 कैल्शियम क्या होता है +2 फॉस्फेट क्या होता है -3 ठीक है। अब क्या करना है ये इधर आ जाएगा इधर एक्सचेंज हो जाएगा Ca3 PO4। अब देखिए जब यहाँ पे हो रेडिकल तो आपने यहाँ पे 2 ऐसे ही नहीं लिख देना आपने क्या करना है यहाँ पे पेरेंथेसिस यूज करनी मतलब ये ब्रैकेट्स यूज करनी उन ब्रैकेट्स के बाहर आपने लिख देना है इससे से क्या बन गया कैल्शियम फॉस्फेट। और जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला empirical formula is the simplest type of formula it gives a simplest whole number ratio of atoms present in a compound matlab empirical formula hame simplest ratio batata hai kiski simplest ratio batata hai atoms ki simplest ratio kiski batata hai atoms ki batata hai in compound matlab compound ke andar jo atoms paaye ja rahe hain theek hai उनकी हमें ये सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। एग्जांपल देखिए अब इसकी एम्पिरिकल फार्मूला आप जो है वो कंसीडर करें हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है H2O2 बोथ 2 कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर ठीक है कैंसिल कर देते एक दूसरे को तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया HO ठीक है। इसे देखिए से जब बेंजीन कंसीडर करें तो बेंजीन क्या होती है C6H6 ठीक है इसका सिंपलेस्ट क्या हो जाएगा CH। अगर ग्लूकोज आ जाए तो ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 ठीक है इसका क्या सिंपलेस्ट हुआ CH2O ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो एक कंपाउंड सिंपल कंपाउंड के लिहाज से है तो उसे आयनिक कंपाउंड के लिहाज से अगर कंपाउंड के लिहाज से कहते हैं तो है कि सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अगर हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं देन ये क्या होगी डेफिनेशन इट इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन एन आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड की जगह आयनिक कंपाउंड आ जाएगा और एटम्स की जगह आयंस आ जाएगा ठीक है तो तब आप देखिए आयंस की मतलब एग्जांपल देंगे लाइक NaCl आप कह रहे हैं क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। अब ये फॉर्मूला यूनिट फॉर्मूला यूनिट क्या होता है यूनिट दैट रिप्रेजेंट आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड को जो यूनिट रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। मतलब देखिए फॉर्मूला यूनिट हम भी कहेंगे NaCl हो सकता है ठीक है पोटेशियम ब्रोमाइड ले लें KBr मतलब हमने इसमें आयनिक कंपाउंड ही इंक्लूड कर दिया पोटेशियम पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। इसमें आप ये वाली एग्जांपल नहीं दे सकते ये क्या है सिंपल कंपाउंड है ये कौन से है आयनिक कंपाउंड ठीक है। आगे है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है व्हिच शोस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मतलब हमें ये असल में जितने एटम्स पाए जा रहे हैं हमें उसके बारे में बताता है मतलब इसने तो एम्पिरिकल फार्मूला में क्या था हमने सिंपलेस्ट बताया था मॉलिक्यूलर में होता है हम उसके एक्चुअल बताएंगे कि एक्चुअल्स के इतने एटम्स पाए जा रहे हैं इस एलिमेंट के इतने एटम्स हैं इस एलिमेंट के ठीक है मतलब इसकी आप
is called molecular formula. Example is hydrogen peroxide, H2O2, ठीक है, and example is benzene, C6H6, glucose, C6H12O6, ठीक है students, यही example है, आप ये वाली जो है ये molecular formula में ले रहे हैं और इसकी जो simplest है आप empirical formula. आगे है इन दोनों को जो relate कर empirical formula and molecular formula are related to each other by a formula which is formula वो क्या है molecular formula is equal to n multiplied by empirical formula. Empirical formula को आपने n से multiply कर देना है तो वो क्या आ जाएगा आपका molecular formula आ जाएगा. मतलब अब n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है integer, मतलब 1, 2, 3, 4 so on इसकी ये value होती है. अब example देखें, इसी hydrogen peroxide की देखें, यहाँ पे n की value क्या है, मतलब empirical formula हमने इसका क्या लिखा, HO n की value क्या है 2 से जब multiply हुआ तो क्या बन गया H2O2 which is this molecular formula. इसी तरीके से अगर आप ये benzene में देखें तो benzene जो है CH इसको आप इससे multiply करेंगे n से और n की यहाँ पे value क्या हो जाएगी, फिर इस केस में 6 value हो जाएगी, 6 से जब multiply करेंगे तो क्या बन जाएगा C6H6. इसी तरीके से अगर आप इसके example देखो glucose की C6H12O6 तो आप C2O को किससे multiply करेंगे 6 से, 6 से multiply करेंगे तो क्या बन जाएगा C6H2 multiply by 6 12 इसी तरह O6 आपका, ठीक है. Next is molecular mass. Molecular mass which shows atomic masses, which is the sum of atomic masses of all the atoms present in a compound. ठीक है, तो एक compound है उसके अंदर जितने भी atoms हैं उन सब atoms के आपने atomic masses को less कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा molecular mass होगा. Molecular mass is sum of किसका sum है, atomic masses का, atomic masses of all the atoms, ठीक है, of all the atoms present in a molecule or present in a compound. Example अब मैं इसके आपको देती हूँ, calculate atomic mass of molecular mass of HNO3, ठीक है, आपने इसका जो है वो कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास. तो आपको सबसे पहले इन सब के मैसेस का पता होना चाहिए, ठीक है, आपने क्या करना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के तो एक एक आइटम था लेकिन आप सोच रहे कितने, 3 आइटम्स, तो यहाँ पे आपने कर लेना है प्लस 3 मल्टीप्लाई, इससे करना है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. अब देखिए एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या होता है 1, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का क्या होता है 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होता है 16, 16 3 सा 48 प्लस प्लस 14 प्लस 1, ठीक है, इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है ठीक है, तो ये आगे 73 क्या है ये मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास है HNO3, ठीक है. इसी तरीके से आप खुद एक्टिविटी करें घर और आप कैलकुलेट करें मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ H2SO4 HCl etc, ठीक है, खुद आप कोई भी जो है वो मॉलिक्यूलर मैस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे भी कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स. दिस इज ऑल अबाउट माय टॉपिक. अगर किसी चीज़ का समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, होपफुली कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं बेटर. ओके, अलविदा.